कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ज़ाकिया जाफरी मामले में फैसला निराशाजनक रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी का दुष्प्रचार तथ्यों को मिटा नहीं सकता, सीएम और सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, दंगों पर तो सीएम की जवाबदेही बनती है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा पूछा जा रहा है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और इन्फॉर्मेशन के साथ, रवि और क्या डिटेल्स है? नहीं, अगर देखें तो एक स्टेटमेंट जारी किया है जो नए मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है अभी हाल में ज़ाकिया जाफरी केस मामले में, उसको सीधे तौर पर उन्होंने अत्यंत निराशाजनक बताया है। और साथ साथ देखा, उनका कहना यह है कि देखिए कई पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि व्यापक सांप्रदायिक दंगे अगर मामला होता है कहीं, तो मामला में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की संवैधानिक तौर पर जिम्मेवारी बनती है, उनकी क्या होती है, क्या ऐसे मामले में उत्तराधिकार तो केवल कलेक्टर और उप पुलिस आयुक्त पर होता है और राजनीतिक लोग जो होते हैं कार्यकारी के लोग, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्या मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती, इस तरह के तमाम सवाल उठाए गए इसमें। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक चुनौती दी गई है, उस पर चैलेंज किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है आमतौर पर कहा जाता है। और देखिए एक तरह से दोबारा से गुजरात को जिंदा करने की बात है, गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हरी झंडी दी थी प्रधानमंत्री को उस मामले में, और उसके बाद अब दोबारा जब उस पर रिव्यू पटिशन किया गया तो उसमें भी उन्होंने क्लीन चिट दी, बावजूद इसके कांग्रेस शायद इस बात को बचा नहीं पा रही है। आप जानते हैं कि सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर कहा था, राहुल गांधी ने उनको अटैक किया, तमाम बार अटैक किया, लेकिन कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बावजूद इस तरह की बात करना, यानी कि आपका एक फ्रस्ट्रेशन शो होता है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बेचैनी और जल्दबाजी दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी इस पूरे अपडेट के लिए। और भूले नहीं, गुजरात में इलेक्शन भी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो खोई हुई सियासी जमीन है इस मामले को उठाकर वो भी तलाश रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।